आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। गिलेरी, वे किसके इंतजार में माखी बनकर दरवाजे पर भिनभिना रही है? मैं तो उस आदमी का इंतजार कर रही हूँ जो चतुरी के छपे हुए पर्चे लाने वाला था। तू किसका कर रही है? वो भाबू, मैं तो माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए थोड़ा चक्कर से आ रहे थे तो हवा खाने आई थी। अरे अगर पहले ही पता होता ना तो बादाम का हलवा ना पड़ा। आपने बनाया है? हाँ, पर अब तू कैसे खावेगी? ना ना, रेंट दे। संध्या बीनड़ी, जरा जल्दी आए। ना बीनड़ी, जाड़ दे। जी बाबू। बीनड़ी, ये हलवा तू रसोई में रख दे। मीना बीनड़ी से तो ना खाया जाएगा ना, जी मिचला रहा है उसका। जी भाभी। अरे रुके रुके रुके, ऐसी हालत में तो ऐसी चीजें होती रहती है। भाभी कहती है कि अपने से ज्यादा अपने पेट में पल रहे टावर का ध्यान रखना चाहिए, और माँ बनने वाली हूँ तो थोड़ा बहुत त्याग तो आना ही चाहिए ना। तो मैं जैसे भी करके अपने पेट में ना थोड़ी सी जगह बनाई लूंगी इस हलवे के लिए। रुक, गरम वहां जाकर बैठकर आराम से खा ली ताकि टापर ने भी। हाँ? जा। रुक भी नहीं। समदन साले भी थोड़ा हलवो दे दिए। ये लो, अब वो भी हिस्सा बांटेगी मारा। अरे मरी, कहीं आगे चल के मारे दो कंगनों में से एक भाभू उनके हाथ पे तो ना सजा देंगी। वो भी तो पेट से है ना, अमेरिका में कहाँ खाया होगा। और हाँ बीनी, रसोई में दूध पर ढक कर जाए, बिल्ली को भरोसा ना है। भाभू, भाभू ये पर्चे दिखा दो। अब ये चतुरी के गुम होने के पर्चे मैं और राजकुमार जाके गली मोहल्ले में चिपका आते हैं। हाँ सूरजी, और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के मंदिरों में भी लगवा दीजिएगा, बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं। हे मारा राम जी, मारी चतुरी ने खुशी खुशी घर लौटा देना, जीवन भर तारा उपकार मानूंगी। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, मैं भी चलूं ये चतुरी दीदी की पर्ची चिपकाने। स्कूल का काम किया? हाँ। ठीक है, अबो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो मैं चलूं? चल चल। चल चल। हे महाराज, सब कुछ राजी खुशी रहे। हाँ
आप चिंता मत कीजिए, चतुरी जरूर मिल जाएगी। अरे इतनी रात को क्या निकाल रही है बस्ते से? रे समदंसा के लिए रजाइयां निकाल रही हूँ, मौसम का कोई भरोसा ना है, ठंड पड़ी ना तो काम आएगी। अरे संध्या बिन्नी तो थारी से समझदार हो गई है, वो कब की रजाई निकाल के ले गई। कहीं बीनी साहब भाई भाभी से गप्पे मारने के चक्कर में छवि को पढ़ाना तो ना भूल गई? अरे क्या सोच रही है संतोष, मैं इधर फंस गया हूं, ये पैर निकालना। अरे देख क्या रही है संतोष, जल्दी आना। मान लो कि बुढ़ापा आ गया। कटी जा रही है संतोष, हर बात बतानी जरूरी को नहीं, आ रही हूं मैं। ठीक तो कह रही है संतोष, हर बात बताना जरूरी को नहीं। भाई भावच कौन से भाग कर जा रहे थे, उनकी लाड़ में ननद का जीवन बिगड़े तो बिगड़े। छवि, छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो गया, इसलिए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सॉरी भाभी। मैं करेक्ट कर देती हूँ। सूरज के पापा सब सही कहते थे कि तूने अपने दिमाग में जहर का कारखाना खोल रखा है। भाभी वैसे आपको भी जाना चाहिए था ना वो पैम्पलेट लगवाने के लिए, आप क्यों नहीं गई? नहीं छवि, ये भी तो बहुत जरूरी था। राजकुमार जल्दी करो, छोड़ो जल्दी करो जल्दी। तस्वीरों को पुराने जैसे डकैत होते हैं ना वैसे ही बनाना पड़ेगा, कोई पहचानेगा ना कोई मुसीबत होगी। जेठानी सियानी ना भापो सियानी, इतनी मीना सियानी।
ओ हो हे संध्या जी, आप देखिए, आप मुझे गलत में समझिए। वो क्या ना कि मैं पलंग के नीचे हूँ, लेकिन वो मेरी जेब से पैसे निकालते समय ना एक सिक्का बेड के नीचे आ गया। बस मैं उसी को निकालने नीचे आया था, लेकिन फिर आप अचानक से अंदर आ गई। आपको बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन सच्ची मैंने कुछ नहीं देखा संध्या जी। मेरा मतलब संध्या जी, मैंने आपको आपको पायल पहनते देखा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आपके पैर बहुत सुंदर हैं। सच्ची संध्या जी, आपके आपके पैरों में पायल बहुत अच्छी लगती। सूरज जी, ये आपके हाथ में पिंकी ऐसी चुभी? ये संध्या जी, ये पिन वहां पे गिरा पड़ा। अचानक से आपका पैर इसके के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।